तो क्या हुआ कि एक तो हम गांव को गांव रहने नहीं दिया, ठीक है, गांव के सारी संभावनाओं को खत्म किया, क्योंकि लोगों को मुनाफा चाहिए तो गांव के संसाधनों को लूटना पड़ता है, गांव के धंधा बंद करके जूता चप्पल भी बड़े कंपनी लोग बेचने लगते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ शो में होंगे पीवी राजगोपाल सर, जिन्हें लोग राजा जी के नाम से जानते हैं, और ये राजा जी बहुत सारी दिलों पे हुकूमत करते हैं, तो उनसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे, हमारे साथ वो जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि ये जब कोरोना हुआ तो इस कोरोना के वक्त में गांव और शहर की बातें चली, जो शहर में थे वो गांव आ गए, और जो कभी गांव से शहर गए थे कमाने के लिए वो लोग फिर वापसी हो गई। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप ठीक है? वहाँ यूपी में ठीक ठाक है, अच्छा है। अच्छा है सर, बारिश हो रही है। हम लोग मदुरई में हैं, कल मैंने बताया कि एकदम एकदम बढ़िया जगह है, यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है युवाओं के लिए, आप आइए कभी, यू टेक टाइम टू कम हियर। अभी बोल रही थी थोड़ी देर पहले कि आप राजा जी हैं, लेकिन आप राजा जी हैं जो किसी रियासत की नहीं बल्कि लोगों के दिलों के। अभी जब कोरोना टाइम शुरू हुआ तो जो लोग शहरों में थे उन्होंने एक नई चीज देखी कि कैसे भीड़ इकट्ठी होकर वापस अपने गांव जा रही है, और जो गांव वाले हैं कुछ उनका जो भी उनका था मैजिक शहर को लेकर के वो सब टूट रहा था। अचानक से सबको गांव की याद आई, सब लोग कई सारे लोग गांव भी आए, तो मतलब कहना चाहिए कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। तो जो विकास की दौड़ में गांव अब शहर बन रहा है, जो शहर वाले हैं वो अब गांव की तरफ निकल रहे हैं, तो ये जो पूरा सिनेरियो है इसके बारे में मेरे को आप बताइए और बाकी सुनने वालों को भी। हाँ, तो एक तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो जो सपना हम बेच रहे थे अभी तक, अभी ये समझना चाहिए वो सपना सही नहीं है। हमको कहा गया कि ये जो आर्थिक मॉडल है इससे सब दुनिया ठीक कर लेंगे, गरीबी हट जाएगा, कुछ लोगों के पास पैसा आएगा तो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन होके सबके हाथ में जाएगा, सब खुशहाल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया ऐसा कुछ होता नहीं। ये कहा गया कि ये साइंस है, ये साइंटिफिक मॉडल है, इससे दुनिया का दुख दूर कर सकते हैं। आपने देखा कि लोगों को आप चंद्रमा तक भेज सकता है लेकिन गरीबी नहीं मिटा सकते, ऐसे क्या साइंस है? जिस साइंस लोगों को चंद्रमा भेज सकते हैं मिलियंस एंड मिलियंस खर्च करके लेकिन गरीबी नहीं मिटा सकता, दुख नहीं मिटा सकता, लोगों की कठिनाई दूर नहीं कर सकता। तो और ये कहा गया कि सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो दुनिया अच्छा हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल है, ठीक है, इतने भ्रष्टाचार, इतने दमन और औद्योगिकरण के और विकास के नाम से गरीबों का शोषण। तो जो सपना दिखा रहे थे बहुत वर्षों तक हम, शिक्षा का सपना, साइंस का सपना, विकास का सपना, एक तो ये है कि ये समझने का समय आ गया है। वास्तव में COVID-19 आपको आंख खोलने के लिए कह रहे हैं कि भैया देखो ये सब खाली सपना है, इसमें कोई दम नहीं है, एक तो ये। दूसरी बात आपके सवाल के जवाब में कि हम लोग गांव को बर्बाद करके शहर बसा रहे थे तो उसे क्या हुआ, गांव भी बर्बाद हो गया, शहर भी बर्बाद हो गया। एक भी शहर भारत में ऐसा मत दिखाइए जो रहने लायक हो, दिल्ली से दिल्ली को जोड़ के एक तरफ इतने स्लम्स और इतने तकलीफ, पैदल चलने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं, रोड क्रॉस करना तो युवाओं के लिए दिक्कत हो तो बुजुर्गों के लिए तो और ज्यादा कठिन है, सड़क के किनारे सब्जी बेचने वालों को डंडा मार मार के आप भगा रहे हैं, तो कुल मिला के गरीबों के लिए कोई स्थान नहीं है, श्रम शक्ति से जीने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, ऐसा कुछ शहर बना रहे हैं। और उसे गाँव तो बर्बाद हुआ है, शहर भी अभी बर्बादी क्यों रहे, क्योंकि हमको सबको अपने घर में बर्तन मांजने वाले चाहिए लेकिन हम उनको देखना नहीं चाहता, वो सड़क के किनारे नहीं देखना चाहता, उनको बहुत दूर रखना चाहते हैं। तो सब चाहिए, बच्चों का सफाई भी करना है, बर्तन भी मांजना है, झाड़ू भी लगाना है, लेकिन वो बहुत दूर हो, सवेरे आकर शाम को जाएं दिखाई नहीं पड़े। तो हम
एक ऐसे शहर की रचना कर रहे हैं जिससे कोई कोई समस्या हल नहीं हो रहे हैं, बल्कि समस्या बढ़ रहे हैं। अब इसमें एक बात जो जोड़ना चाहता हूं कि 1929 में पहली बार लेबर कमीशन बना, उसके पहले लेबर कमीशन नहीं बना था, ब्रिटिश शासन की बात कर रहा हूं, ब्रिटिश सरकार ने लेबर कमीशन, पहला लेबर कमीशन बनाया। और लेबर कमीशन का रिपोर्ट अभी पढ़ोगे आप, आपको मालूम होगा, वो कह रही है, वो महिला जो लेबर कमीशन के चीफ थी रीड, वो कह रही है कि देखो ये बर्बादी का लक्षण है, औद्योगिकरण से के नाम पर आप गांव के अच्छे लोगों को सबको धक्का मार के शहर में ला रहे हो और वो स्लम्स में जी रहे हैं और वो मशीन जैसे काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। और उनका तर्क क्या है, गांव में जब रहता है तो उनका पर्सनालिटी का बहुआयामी विकास होता है कि वो तो गाय भी चराता है, वो बच्चों के साथ भी खेलता है, वो कपड़ा भी बुनता है, वो खेती भी करता है, वो पेड़ में भी चढ़ता है, उनके पर्सनालिटी का बहुआयामी विकास होता है। यहाँ तो वो मिशन जैसा एक ही चीज कर रहा है सवेरे से शाम तक, तो उनका पर्सनालिटी का विकास नहीं होता, वो अपने गांव से दूर दुख में जी रहा है। तो कुल मिला के हमने एक ऐसी रचना रच डाली है कि इसको अभी कोविड के समय में सोच रहा था कि लोग जागेंगे, कुछ रास्ता बदलेंगे, लेकिन मुझे दुख है कि कोविड के इतने बड़े संदेश के बावजूद भी लोग उसी पुराने मॉडल को एक्सेलरेट कर रहे हैं। आप गांव में जाकर और ज्यादा खदान खोल रहे हैं, आदिवासियों को और भगा रहे हैं। तो मुझे लगता है इतने बड़े विपदा में, जब जहां हम कह रहे हैं कि 10 years to go, 10 साल में अगर हम ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया तो 10 साल में दुनिया बर्बाद हो सकता है, ऐसे जब कह रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस वाले, इस प्रकार का व्यवहार बहुत ही खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि ये समय है सपना से जागने का, रियलिटी को समझने का, और ठीक ढंग से अपने सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन को रचने का ये एक अच्छा समय है, अगर लोग चाहें तो उसी के लिए आह्वान करना चाहिए लोगों को। जी, एक चीज जो मुझे कई बार लगता है कि जैसे एक एज तक तो हमें मालूम है गांव और शहर, लेकिन जैसे जो बड़े शहर होते हैं उनके आउटस्कर्ट्स में नकली गांव बना के रखे हुए हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं वो देखते हैं कि वहां पे गाय है, भैंस है, खेती हो रही है, और वो देख के और वो 1,000 रुपए पे करके विजिट करके आते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो रही है उनके मन में गांव और शहर का जो ये इम्पेक्ट है वो कैसे पड़ने वाला है सर? सी, जब विकास के बारे में गांधी ने कुछ बातें की, इसको अभी समझना है। एक तो उन्होंने ग्राम स्वराज की बात की, उन्होंने कहा कि आप लोगों को गांव में ही रहने लायक स्थिति पैदा करिए, वहाँ कुटीर उद्योग भी है, वहाँ श्रम शक्ति भी है, वहाँ जल जंगल जमीन भी है। तो ये सारे जल जंगल जमीन को बर्बाद करके, कुटीर उद्योग को बर्बाद करके, श्रम शक्ति को बर्बाद करके कोई शहर बनाने की जरूरत नहीं था। इतने बड़े शहर, छोटे छोटे शहर बसे अच्छी बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े शहर जिसको बचाने रखने के लिए आपको इतना प्रयास करना पड़ता, आपको उत्तराखंड से पानी लाना पड़ रहा है दिल्ली को बचाने के लिए। और दिल्ली का रिपोर्ट देखिए, यमुना जो बह रही है दिल्ली होके, सिर्फ वो दिल्ली के 27 किलोमीटर में यमुना सबसे ज्यादा पोल्यूट हो रही है, बाकी जगह नहीं। तो इतनी पोल्यूशन पैदा करके शहर बसाने की जरूरत नहीं। फिर हमारे बच्चे, आपने सही कहा, हमारे बच्चे का अभी जो धरती से जो डिस्कनेक्ट हो रहा है, रियलिटी नहीं समझ में आ रहा है। तो हम एक दो प्रकार की दुनिया को रच रहे हैं, जहां एक एक तरफ पाइप खोलने से गर्म पानी, एक तरफ पाइप खोलने से ठंडा पानी और स्विमिंग पूल, ऐसे एक दुनिया बना रहे हैं जो आर्टिफिशियल दुनिया बना रहे हैं, और रियलिटी बिल्कुल भिन्न है, जहां लाखों करोड़ों लोग दूर जाकर पानी ला रहे हैं, श्रम करके अपना पेट भर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, आपने जो कहा कि इसे संवेदना को खत्म कर रहे हैं, से मनुष्य मनुष्य क्यों है, उसके अंदर संवेदना है, और संवेदना खत्म हो जाए तो फिर मनुष्य में और बाकी में क्या फर्क है। तो ये संवेदना को हम खत्म कर रहे हैं। और जब मैंने 25,000 लोगों को लेके, 1,00,000 लोगों को लेके जब ग्वालियर से दिल्ली की ओर कूच किया, तो मैंने देखा कि देखने वाले लोगों के आंख में आंसू आ गए कि ये जो शहर के मिडिल क्लास के लोग, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग चावल लेके दौड़ के आ रहा है, दूध लेके दौड़ के आ रहा है, बिस्किट लेके दौड़ के आ रहा है, बच्चे केला लेके दौड़ के आ रहा है, और इन लोगों को दे रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं बिना पैर में चप्पल के फटे कपड़ा पहने हुए 1,00,000 लोग।
सड़क पर सो के एक समय खाना खा के दिल्ली की ओर कूच कर रहा है, क्या कहने के लिए? हमको जीने लायक जमीन दे दीजिए, हमको मकान बनाने लायक जमीन दे दीजिए। पहली बार इन बच्चों को, इन मिडिल क्लास लोगों को दर्शन हुआ इतने बड़े गरीबी का एक साथ, और उनको उनको धक्का पहुंच जाए। तो मैं सोच रहा हूं कि हमारे लोगों का संवेदना खत्म हो रहे हैं, और ऐसे एक समाज की, आर्टिफिशियल समाज की रचना करेंगे तो क्या होगा? हिंसा बढ़ेगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी चिंता क्या है, असमानता और गरीबी का अंत में क्या होगा? लोग निराश होकर हिंसा के रास्ते पर जाएगी। और जिस देश को हमने अहिंसा के रास्ते से आज़ादी दिलाई, जिस देश को देख के बहुत सारे देश अहिंसा के रास्ते पर आज़ादी प्राप्त की, आज भी अहिंसा सीखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, ऐसी एक देश में इतनी बड़ी विषमता, इतनी बड़ी दूरी, इतनी बड़ी खाई, ये हिंसा को जन्म देगा। तो ये इसे कोई कोई एक चाइन वाला दुनिया की जो कल्पना करते हैं, ये सोसाइटी बेस्ड ऑन जस्टिस, उसकी जो कल्पना करते हैं वो खत्म होगा। जस्टिस नहीं है तो पीस नहीं, पीस के लिए प्री कंडीशन है जस्टिस। तो जस्टिस के लिए बहुत काम करने की जरूरत है, और हमारे बच्चों के मन में संवेदना जगाने की जरूरत है, ताकि वो इस खाई को मिटा सके आने वाले सालों। वैसे तो राजा जी, अभी जो सिचुएशन है गांवों को लेकर के, क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि गांव अब वो वाले गांव नहीं रहे जिसकी कल्पना हमने पहले की थी। कम से कम मैं ऐसा बोल सकती हूँ, नॉर्थ इंडिया के जो मैंने गांव देखे हैं वो बिल्कुल अलग है, और वो मतलब परेशान है कि वो कैसे शहर बन जाए, और जो छोटे शहर है वो बड़े शहर बनने को तैयार है। तो ये सिचुएशन हमें कहाँ लेके जाएगी? तो क्या हुआ कि एक तो हम गांव को गांव रहने नहीं दिया, ठीक है, गांव के सारी संभावनाओं को खत्म किया, क्योंकि लोगों को मुनाफा चाहिए तो गांव के संसाधनों को लूटना पड़ता है, गांव के धंधा बंद करके जूता चप्पल भी बड़े कंपनी लोग बेचने लगते हैं, तो झाड़ू भी कंपनी वाले बेचने लगते हैं, तो खत्म हुआ। दूसरी एक बात जो गांव के साथ हुई, अभी भी हमारे पंचायत राज सिस्टम में हम कह रहे हैं कि पहला सरकार ग्राम सभा या पंचायत, दूसरी सरकार लखनऊ और भोपाल, तीसरी सरकार दिल्ली। तो इसका मतलब है कि पहले सरकार गांव ही है, ग्राम सभा है, जहां ग्राम सभा एकमात्र सिस्टम है जहां एक दूसरे को जानते हैं, बाकी सब तो ऐसे ही खोखला है कि कोई नहीं जानता किसको चुन रहे हैं, कौन मंत्री बन रहा है, कौन MLA बन रहा है, किसको पता है, वो बस हवा में सब कुछ हो रहा है। लेकिन ग्राम सभा एक ऐसा सिस्टम है, लोग ज्यादा बैठ के एक साथ निर्णय ले सकते हैं। तो एक तो विनोबा भावे कहते थे, आप जब गांव में जाएं, जैसे मंदिर में जाते समय जूता बाहर रखते हैं, वैसे गांव में जाते समय अपना पार्टी को बाहर रखे जाओ, कि पूरे गांव को हमने जातियों में, चुनाव के कारण जातियों में, पार्टियों में, धर्मों में बांट दिया, सिर्फ कुछ फायदे के लिए, ताकि हम भोपाल में, लखनऊ में, दिल्ली में सत्ता कर सकें। तो बहुत खतरा हुआ है, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, कुछ समय के फायदे के लिए, हमने एक लंबे समय की संभावनाओं को कदम किया। मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे कारण है कि देखो, ब्राज़ील जैसे देश में जाता है तो मुझे लगता है कि ब्राज़ील भारत से 2.5 गुना बड़ा है, और जनसंख्या में बहुत कम है, लेकिन बर्बाद कर दिया, क्योंकि पूरे गांव के गांव, लाखों लाखों एकड़ जमीन कुछ लोगों के, कुछ कंपनियों के हाथ में चला गया, और बाकी सब स्लम्स में है, सिटी में है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह। तो भारत में इसकी संभावना थी कि हम, क्योंकि ग्राम स्वराज की बात कहने वाले एक लीडर हमको मिला, और गांव को ताकतवर बनाने वाले एक सोच हमको मिला आज़ादी के साथ साथ, तो हम चाहते तो पूरे दुनिया के लिए एक मॉडल खड़ा कर सकते थे कि एक माइक्रो इकोनॉमी पर टिका हुआ एक मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी का विरोध नहीं, बड़े इकोनॉमी भी होगा, फैक्ट्री भी होगा, कंपनी भी होगा, लेकिन अगर माइक्रो इकोनॉमी, नीचे का जो इकोनॉमी है वो मजबूत नहीं है, खोखला है, आप ऊपर जो भी खड़ा करेंगे वो धराशाही होना ही होना है। तो इसलिए भारत की इकोनॉमी को टिका नहीं पाएंगे लंबे अवधि में, क्योंकि आपने सारे नीचे खोखला कर दिया है। और इतनी श्रम शक्ति, मैं बिहार में हमेशा कहता हूँ, अगर बिहार की जनता पंजाब बना सकता है अपने श्रम के कारण, बम्बई खड़ा कर सकता है अपने श्रम के कारण, तो बिहार क्यों नहीं खड़ा कर सकता? क्योंकि वो जमीन सब कुछ लोगों के हाथ में, और श्रम शक्ति पूरा पंजाब में और बम्बई में। तो श्रम शक्ति को और प्राकृतिक संसाधन को मिलाएंगे नहीं तो सही विकास नहीं होगा। इसलिए जो गांधी ने कहा, प्लानिंग करते समय सबसे अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचो, प्लानिंग में
श्रम शक्ति को, उन्होंने इतना तक कहा जो श्रम नहीं करेगा वो तो चोरी से खा रहा है, ठीक है, तो श्रम के आधार पर जियो, तो वो सारे मूल्यों को भूल के जो रचना हम कर रहे हैं उसे नुकसान हो रहा है। तो अब आने वाला जो समय है उसमें अगर हम गांव को देखें तो हम किस रूप में हमारे सामने आने वाला है? तो अभी क्या है कि अभी कोई अच्छा, क्योंकि दुनिया के आज का प्रॉब्लम क्या है इंदु, एक तो लीडरशिप की बड़े क्राइसिस है। हमने अमेरिका में देखा कि चुनाव हारने के बाद भी वो कहता मैं नहीं जाऊंगा। आप रशिया में देख रहे हैं, आप टर्की में देख रहे हैं, आप कई देशों में देख रहे हैं कि एक लीडर विद एन इमेजिनेशन, जिसका इमेजिनेशन ये ना हो कि अच्छा कितना बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, कितना बड़ा फ्लाईओवर बनेगा, ये नहीं हो। जैसे भूटान वाले कह रहे हैं मेरे देश के लोग कैसे खुशहाल रहेंगे, सी आपके पड़ोस में छोटा सा देश करके दिखाया है, हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा महत्व का है, ये जीडीपी वीडीपी तो ठीक है उसमें कोई बहुत दम नहीं है। तो एक तो आने वाले दिनों में गांव को सही दिशा देना है, एक रास्ता यही है कि आप लोगों के खुशहाली के इर्द गिर्द चीजों को रचें। अब मैं यहां तक जा सकता हूं कि विवेकानंद ने क्या कहा, विवेकानंद ने कहा एज लॉन्ग एज देयर इज अ स्ट्रे डॉग हंग्री माय स्पिरिचुअलिटी इज टू गेट फूड फॉर दैट डॉग, ना एक कुत्ता भी भूखा हो उसके लिए खाना तलाशना मेरा स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसे एक देश के हम बारिश लोग हैं, तो हमारा एक ट्रेडिशन है सोचने का, हमारा एक हेरिटेज है अहिंसा के माध्यम से आजादी प्राप्त करने का, इस हेरिटेज पर गर्व करें। तो क्या होगा, हमारे देश में श्रम शक्ति को केंद्र में रख के जल जंगल जमीन पर और लोगों को अधिकार देंगे तो उसके इर्द गिर्द पूरे संपदा खड़ी हो जाएगी। लोग इस देश के लोग, मैं कहता हूँ मैं गांव में काम करता हूँ, वो आपसे ताजमहल नहीं मांग रहे हैं, आपसे नौकरी मांग रहे हैं, वो सिर्फ कह रहे हैं जीवन जीने का जो संसाधन है। आदिवासी क्या कह रहे हैं, जंगल से हमको मत हटाओ, ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सब ड्रामा करके टूरिज्म के नाम करके हमको मत पकड़ो, ये जंगल हमको दे दीजिए, हम आराम से जिएंगे, उसको हम बर्बाद नहीं करेंगे। कैलिफोर्निया में जब आग होता है तो उसको बुझाने के लिए करोड़ों खर्च होता है, भारत में 48 डिग्री हीट में गर्मी में इतना बड़ा फॉरेस्ट फायर क्यों नहीं हो रहा, इसका कारण है कि यहाँ के आदिवासी को पता है फॉरेस्ट को कैसे बचाना है, उस कल्चर को समझना, उस सभ्यता को समझना, उसके नॉलेज सिस्टम को समझना। अगर हम आम आदमी के नॉलेज सिस्टम को समझ के उनके कल्चर को समझ के सारे अर्थव्यवस्था को कायम करना चाहें, इस देश से गरीबी मिट सकती है और ये अफ्रीका के लिए और दक्षिण अमेरिका के लिए वगैरह एक बहुत सुंदर मॉडल बन सकता है, क्योंकि यहाँ इतने सामाजिक काम करने वाले लोग हैं, दूसरे किसी देश में नहीं उतना, यहाँ के लोगों में इतने कम संसाधनों में जीने की क्षमता है और इसलिए वो कोई बहुत बड़ी चीज़ मांग नहीं रहा है, छोटी सी झोपड़ी में 5 लोग जीते हैं। तो मुझे लगता है जो देश में सैक्रिफाइस की कल्पना है, जिस देश में रिनाउंसिएशन की कल्पना है, जिस देश में दान की कल्पना बहुत इतना जबरदस्त है, जिस देश में सादगी को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उस देश में एक बहुत सुंदर विकास का मॉडल खड़ा किया जा सकता है। और वो मॉडल सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए नहीं, इवन यूरोप के लिए वो नमूना बनेगा, क्योंकि अभी लोग आते हैं ना गांधी का देश देखने के लिए, क्या दिखाएंगे, ये सब गांव के बर्बाद कर दिया तो क्या दिखाएंगे उनको। तो मुझे लगता है कि शहर देखने के लिए लोग नहीं आ रहे, गांधी का देश देखने के लिए आ रहे हैं। वो गांधी का देश अभी भी बनाया जा सकता है, मैं सोचता हूँ कि बहुत बर्बादी हुई होगी, फिर भी अभी जो श्रम शक्ति और संसाधन है उस पर भी चीजों को टिकाया जा सकता है अगर हम जाग जाए और सही दिशा में चलने के लिए तैयार हो जाए। क्या बात है, तो मुझे लगता है राजू जी कि ये एक बहुत ही लंबा और बार बार नॉकिंग वाला सब्जेक्ट है कि हमें बार बार बताना होगा, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग एक्चुअली, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। इसमें मैं आखिरी बात कहूँ तो समय कहने के लिए क्योंकि मैं आजकल बेल्जियम के एक यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहा हूँ वो शिक्षा में अहिंसा कैसे लाया जाए। से देखिए आप डेवलपमेंट स्टडीज में नॉन वायलेंट डेवलपमेंटल स्टडीज, नॉन वायलेंट इकोनॉमी, नॉन वायलेंट गवर्नेंस, नॉन वायलेंट मीडिया, ये सब नहीं सीखेंगे आप, सिर्फ धंधा सीखेंगे तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो एक नॉन वायलेंट मॉडल ऑफ विकास का जो कल्पना है उसको अगर हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो दुनिया को दूसरे ढंग से रचा जा सकता है और उससे लोग भी खुश होंगे
और प्रकृति का विनाश को भी रोका जा सकता है। बहुत अच्छा राजी जी सच में, और मुझे लगता है कि आपके पास तो खजाना है और मुझे हर हफ्ते आपसे बात करनी चाहिए। कभी विकास हो रहा है उसके ऊपर, कभी गांव, कभी शहर, कभी हम सब की आदतों के ऊपर भी। बढ़िया बढ़िया, करना चाहिए क्योंकि आज के युवा लोगों को ये सब सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो एक अंधी दौड़ में है, तो उनको भी जरूरत है कि कोई उनको बताए कि क्या रियलिटी है, ताकि वो अपने अपने डायरेक्शन को थोड़ा बहुत पुनर्विचार कर सके। गुड, तो फिर से मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ, फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंदु, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।